आप कोई भी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जैसे कहीं इंसिडेंटल फाइंडिंग अगर आ जाती है तो आपने जो लफ्स बोलना है वो किस तरह का दिखना चाहिए जिसको आपने बोलना है ना। ठीक है, जब हम वेज का लफ्स बोलते हैं तो देखिए वेज की एक शेप होती है कि उसकी पॉइंटेड एज जो होता है वो किस तरफ होता है। यूजली हम वेज स्ट्रक्चर वर्टेब्रल बॉडीज में उसमें देख रहे होते हैं, तो हमें वेज का पॉइंटेड एंड बताना चाहिए कि इफ इट्स टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड तो फिर उसकी जो है वो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स की रिट्रोपल्जन के नतीजे में स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो इंजरी हो सकती है। ठीक है, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर हम तब कहते हैं जब एक फ्रैक्चर के दो से ज्यादा फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स हो। ठीक है, कॉम्बिनेट इस तरह से और भी टर्म्स हैं, जैसे ओपन फ्रैक्चर है, क्लोज फ्रैक्चर है। क्लोज तब है जब आपका जो फ्रैक्चर है वो एयर के साथ यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, और ओपन फ्रैक्चर आप तब कहेंगे जब आपके सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर एयर अप्रिशिएट हो रही होगी और सॉफ्ट टिश्यू प्लेन जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे एक्सटर्नल उसके साथ। यूजली हम ये देखते हैं जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस अगर लगा दिया जाता है तो वहां पर एक आपको एक सॉफ्ट टिश्यूज में एयर अप्रिशिएट होती है और एक क्रैक सा अप्रिशिएट हो रहा होता है, तो वो हम उसको कह सकते हैं कि ये ओपन फ्रैक्चर है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट आपने जो बतानी होती है वो जो आपका प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट है वो अपनी जगह पे रहेगा और जो डिस्टल फ्रेगमेंट है उसकी आपने डिस्प्लेसमेंट बतानी है इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, उसकी मीडियल है या लेटरल है। ठीक है, ओपन और क्लोज को मैंने बता दिया कोरेस्पॉन्डिंग क्या होता है। अब फ्रैक्चर लाइन के लिहाज से कि ट्रांसवर्स जा रही है, लीनियर जा रही है, ऑब्लिक है, स्पाइरल भी स्पाइरल है अगर ट्विस्ट इसमें आ रहा है, या फिर ग्रीन स्टिक है या टोरस है। ठीक है, ग्रीन स्टिक और टोरस की भी यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ आपको कि जो जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होते हैं ना ये यूजली बच्चों में होते हैं और डायफिजियल होते हैं, जबकि जो टोरस स्ट्रक्चर है वो मेटाफिजियल लोकेशन में होता है, वो भी यूजली बच्चों में होता है। दोनों के अंदर क्या होता है कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट कॉम्बिनेटेड इसमें दिखाया गया, उसमें भी मैंने बता दिया कि जब दो से ज्यादा फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स हो तो आप कॉम्बिनेटेड कहेंगे। नेक्स्ट हम एक टर्म यूज करते हैं एवलियन। हमें पता है कि जहां पर भी लिगामेंट्स की अटैचमेंट है बोन के ऊपर, बोनी इंप्रेशंस के ऊपर, अगर वहां का जो फ्रेगमेंट है वो निकल गया है बोन का तो हम इसको एवलियन फ्रैक्चर कहेंगे। और सिग्निफिकेंस इसकी ये होती है जब किसी जगह का एक आपको बोन का एवलियन फ्रेगमेंट नजर आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा मसल का टेंडन लगता है जिसकी इंजरी साथ में एसोसिएटेड होगी। अच्छा, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हमें कभी मिलता है कि जो बोन का डायफिसिस है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और बोन इस तरह से लगती है कि दोनों एंड्स के दरमियान में कंप्रेस हो गई है। सही है, नेक्स्ट केस वन है। ठीक है, सर पार्टिसिपेंट जिसने हैंड रेज किया उसको बुला लें। जी डॉक्टर अंबर मैडम, फर्स्ट आप ले ली। अस्सलाम डॉक्टर अंबर, ये मैम तो शाम ये जो केसेस हमने अभी टाइप्स डिस्कस किए हैं ना, तो ये इसी की टाइप्स कुछ लगाई हुई है, तो आप वन बाय वन डिस्क्राइब करें कि आपको कैसा फ्रैक्चर लगता है। ठीक है मैडम, सबसे पहले ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है और डिस्प्लेस्ड ठीक है, कहाँ का? डायफिसिस ऑफ टिबिया का, डायफिसिस ऑफ टिबिया का, और उसमें जो एंगुलेशन है प्रॉक्सिमल सेगमेंट के कंपैरेटिव डिस्टल सेगमेंट इज मीडियली डिसलोकेट, लैटरली डिसलोकेटेड। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले इमेज में हमारे पास मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं इन्वॉल्विंग द टिबिया एंड फिबुला, मल्टीपल ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स हैं, एक ओब्लिक भी है, और आई कैन अप्रिशिएट सॉफ्ट टिश्यू थिकनिंग एज वेल, इट इज अप्रिशिएटेड इन ए पीडियाट्रिक एज ग्रुप, हाउएवर आई कैन नॉट अप्रिशिएट एनी कम्युनिकेशन विद द स्किन, बट सिंस द फ्रेगमेंट इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स द स्किन पॉसिबिलिटी ऑफ ओपन फ्रैक्चर कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ठीक है, ओपन फ्रैक्चर है ना विद कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स और इमेच्योर स्केलेटन है, साथ ये भी डिस्क्राइब कर देना चाहिए। वैसे तो ये ट्रॉमा से ही रिजल्टेंट लगता है, लेकिन जब भी कोई फ्रैक्चर डिस्क्राइब करें तो वहां पर साथ एक लियन भी पड़ा हुआ हो सकता है ना, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट। उसके बाद आई एम प्रोवाइडेड विद लैटरल व्यू ऑफ सीटी, लैटरल व्यू ऑफ नी इन विच आई कैन अप्रिशिएट ट्रांसवर्स फ्रैक्चर थ्रू द टेलस, दिस कुड प्रोबेबली रिजल्ट इन एवियन, हाउएवर आई कैन नॉट अप्रिशिएट इट एट प्रेजेंट। नहीं, एवियन तो इसमें नहीं है, एवियन का कोई अवेयरनेस जी नहीं है। एवियन नहीं है। ठीक है, उसके तो बाद जो नेक्स्ट आई एम ठीक रिस्क रेडियोग्राफ्स है ना वो सेम पेशेंट है। है, जिस का जो रेडियोग्राफ है मैडम, ये टॉरस या बकल फ्रैक्चर है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप का है, और इसमें बकलिंग हुई है मेटाफिसियल रीजन पे, ठीक है, और ये इन्वॉल्व कर रहा है डिस्टल रेडियस को।
सॉरी मेटाफिजिक्स ऑफ द डिस्टल रेडियस, ठीक है, और लास्ट वन और लास्ट वन जो है वो ग्लिंगस्टिक फ्रैक्चर है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में है, इन्वॉल्विंग द लैटरल साइड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टिबिया, और ये थ्रू एंड थ्रू नहीं है, मीडियल साइड अपीयर्स इंटैक्ट। ठीक है, मिडिल साइड की कॉर्टेक्स इंटैक्ट है। ठीक, नेक्स्ट। ओके, आई एम प्रोवाइडेड विद स्काईलाइन व्यू ऑफ द एक्सट्रीम नी जॉइंट इन व्हिच आई कैन अप्रिशिएट अ फैट फ्लूइड लेवल कंसिस्टेंट विद लाइपोहेमा आर्थराइटिस, आई कैन अप्रिशिएट ए रिड्यूलेशन सी विद इन द लैटरल एंड ऑफ द फीमर, पॉसिबली कंसिस्टेंट विद इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, आई वुड लाइक टू सी द एपी यू एस वेल। दोबारा बताइएगा, क्या डिस्क्राइब किया आपने, किसका इंटरआर्टिकुलर रप्चर? मैडम ये डिस्टल एंड ऑफ फीमर का ये जो रियलुसेंस सी कौन सी रिसेंसी, इंट्रा आर्टिकुलर भी लगती है मैडम, ये वाला व्यू कौन सा है, ये स्काईलाइन, ये मतलब स्काईलाइन है, ये याद नहीं है इसको कौन सा व्यू वाला है कहते हैं, ना, ये हॉरिजॉन्टल बीम लेटरल व्यू। सॉरी हाँ सॉरी 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 दी हॉरिजॉन्टल व्यू, हॉरिजॉन्टल शूट थ्रू, इसमें हाँ, फैट शूट फ्लूड थ्रू लेवल आ ठीक रहा है ना, है। लाइपोहीमाथ्रोसिस। ठीक है, मैडम इसमें ये मल्टीपल क्लियर फ्रैक्चर है, कर। एक ये जो आपने मार्क हाँ जी, हाँ जी, किया मल्टीपल मल्टीपल टीबिया ये ठीक मल्टीपल है, हाँ फ्रैक्चर है। जी ठीक है, ठीक नेक्स्ट है जी स्पेसिफिसिटी देखें। ठीक ठीक है है जी जी, ठीक है, ये मल्टीपल फ्रैक्चर हाँ फ्रैगमेंट्स जी, आ गए मल्टीपल इसमें जी, फ्रैक्चर्स है और लाइपोहीमाथ्रोसिस है। ठीक ठीक है थैंक है, नेक्स्ट कोई और आ जाए। यू। डॉक्टर शमाइला, जी सर, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम मैडम, नेक्स्ट दो केसेस आपके। जी सर, आई एम प्रोवाइडेड विद एक्सरे एल्बो जॉइंट लेटरल प्रोजेक्शन। हियर आई कैन अप्रिशिएट दैट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फैट पैड्स आर एलिवेटेड एंड देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द सुप्राकंडाइलर रीजन ऑफ द ह्यूमरस इज अप्रिशिएटेड। सो जो है सर, ये सुपरकंडाइलर फ्रैक्चर है ऑफ द ह्यूमेरस का। क्या सिग्निफिकेंस होती है अगर एंटीरियर फैट पैड एलिवेटेड हो तो फिर कौन सा साइन बनता है? ये इंटीरियर वो फ्यूजन को इंडिकेट कर रहा होता है, और सुपरकंडाइलर फ्रैक्चर में ये एलिवेटेड होता है इंटीरियर ठीक है, फैट और पैड। हम क्या साइंस देखते होते हैं जब हम लेटर रेडियोग्राफ देखते होते हैं शोल्डर का? इसके अलावा मैडम वो लाइंस होती हैं, इंटीरियर हमारी लाइन होती है, और रेडियो जो है ना वो कैपिचुलर लाइन होती है, बिल्कुल उसके अंदर जो रेडियो इंटीरियर हमारी लाइन है उसको कैपिचुलम के जो है ना वो मिड से पास होना चाहिए, तो अगर वो मिड से पास नहीं हो रही होती मतलब मोर आगे आया हुआ होता है कैपिचुलम, तो वो इंडिकेट कर रही होती है कि सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर आ रहा है, और इस तरीके से जो रेडियो जो है ना वो ह्यूमरल लाइन होती है वो रेडियस के मिड में से गुजरती हुई साइड आ रही होती है, उसको भी इंटरसेक्ट करना चाहिए मिड ऑफ द कैपिचुलम को, तो ठीक है, ये जो कैपिचुलम है ना, हाँ इसमें ये जो सर्कल सा बन रहा है, इन दोनों लाइंस का जो है वो सेंटर, इसको फोर क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, जी। ये जैसे सर्कल इसका बनाया है, ये दोनों लाइंस हैं, तो ये फोर इक्वल तरह के ना क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होना चाहिए। जी ठीक है, बस इसमें तो ये साथ क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, ये डॉक्टर शुमाइला फ्रैक्चर्स हैं, काफी पुराना फ्रैक्चर है इन दोनों पेशेंट्स को ना, तो ये दो अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हैं। जी मैडम, इसके अंदर जो फर्स्ट इमेज है उसमें फीमर का हमें मेल मेल यूनियन दिखाई हुई है फ्रैक्चर की, विद एग्जुबरेंट कैलस फॉर्मेशन साथ इसके बना हुआ है, ठीक, तो और जो सेकंड वन है इसके अंदर जो है वो फ्यूज नहीं हुआ हुआ एज सच, ये जो फ्रैक्चर है नॉन नॉन फ्यूजन है इसकी ना। ठीक है, नॉन यूनियन है। तो कितना टाइम होता है ऑलमोस्ट एक फ्रैक्चर को यूनियन में, यूनियन कितनी देर के बाद होती है उसकी? मैम एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा अभी, 8 वीक्स होते हैं ना एट ऑलमोस्ट सारी वीक्स बोन्स के लिए, और कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जिनमें डिलेड होती है हीलिंग। ठीक है, 2 मंथ होने चाहिए एटलीस्ट, 2 मंथ के बाद हाँ, जो है वो कुछ बोन होती हैं जिनमें डिलेड होती है हीलिंग। ठीक है, जैसे कि आपकी मेटाकार्पल्स हैं। ठीक ओके मैडम है, ठीक है नॉर्मली 6 वीक्स में ऑलमोस्ट जो है वो हो जाता है।
रिमॉडलिंग स्टार्ट हो जाती है जो कैलस की होती है, ठीक है। यानी अगर कैलस बनना शुरू हो गया, इतनी एज ऑफ फ्रैक्चर जो है वो मोर देन 3 वीक्स है, और अगर 8 वीक्स से लेके 10 वीक्स तक हो जाते हैं फिर भी मेटाकार्पल्स के अंदर भी जो है वो कैलस नहीं बनता, तो फिर आप इसको नॉन मेलियन लेबर करेंगे। ठीक है नेक्स्ट केस, जी मैडम, आई एम प्रोवाइड विद द एक्सरे फुट, आई कैन अप्रिशिएट दैट देयर इज अलाइनमेंट जो है वो ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल जो है उसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है. इट इज मीडियली डेविएटेड समवॉट एंड ऑन द प्रोक्सिमल एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट मेटर हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर लाइन नजर आ रही है, और सेकेंड से लेके जो फिफ्थ मेटाटार्सल है वो थोड़ी सी लेटरली डिस्प्लेस लग रही है. और देखती सबसे ज्यादा ऑब्वियस एबनॉर्मेलिटी क्या लगती है? सबसे ज्यादा ऑब्वियस तो मैडम मुझे यही लग रही है कि थोड़ी सी फर्स्ट मेटाटार्सल का बोन फ्रैक्चर है. जी दिस रैंक डेंसिटी, बोन डेंसिटी बोन डेंसिटी मैडम ठीक ही लग रही है बोन डेंसिटी इसके अंदर. ये ठीक है। पीछे की तरफ तो ज्यादा लग रही है, मतलब जो टार्सल बोन है और जो टिबिया फिबुला आ रही है उनमें ज्यादा लग रही है, जबकि आगे की तरफ थोड़ी सी ये पैचेस ऑस्टियोपेनिया लग पैचेस नहीं लग रहे पेरियार्टिकल और ऑस्टियोपेनिया के? तो एक तो फ्रैक्चर भी हो, फिर उसके बाद इतना ऑस्टियोपेनिया डेवलप हो जाए, फ्रैक्चर छोटा सा हो, तो फिर क्या कहते हैं इसको? ऑस्टियोपेनिया और स्ट्रेस फ्रैक्चर हाँ, में स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद फिर क्या हो जाता है? सूडिक डिफॉर्मिटी. सुडे के ट्रॉफी डेवलप हो जाती है ना, रिफ्लेक्स ओके सिंपथेटिक एट्रॉफी। जी क्या 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 चीजें होती हैं उसमें? एक ट्राइड होती है ना, जी सूडिक डिफॉर्मिटी में वही ऑस्टियोपेनिया होता है, और साथ में सॉफ्ट टिश्यू जो है वो उसकी स्वेलिंग होती है, और हाइपरीमिया होता है आई थिंक हाँ, और एक पॉइंट रह गया है कि जो जॉइंट स्पेसेस होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। वो नॉर्मल होती है जी. हाँ ठीक है, रिफ्लेक्स सिंपथेटिक डिस्ट्रॉफी। और यूजुअली आपको इसमें तो थोड़ा सा मिल रहा है ना कि आपको एक कॉर्टिकल ब्रेक अप्रिशिएट हो गया, जी समटाइम जी आपको फ्रैक्चर नहीं भी नजर आता। ठीक तो है फिर उसके लिए सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन जो आप करते हैं वो बोन स्कैन कर सकते हैं। ठीक है. उसमें मैडम तीनों फेजेस में हमें इंक्रीज अपडेट नजर आएगा उसके सूडिक में. ठीक वो डिपेंड करता है एज ऑफ फ्रैक्चर पे। है ठीक है मैडम. और इसको मैडम उससे हमने पेरियार्टिकल ऑस्टियोपेनिया इसको हमें रिमोटाइड से डिफरेंशिएट करना होता है, अगर यूनिलेटरल है तो सूडिक है, अगर जी बाइलेटरल है तो रिमोटाइड है. ठीक नेक्स्ट, डॉक्टर श्माइला जी सर. आपका अच्छा, आपके दो हो गए केसेस. ऐसे हो गए दो तो ओके चले मैं मैडम ये नेक्स्ट केस है इसका. जी सर, ये नेक्स्ट केस है। चले मैडम मैं ये ले लेता हूँ जी जी सर, श्योर। जी मैडम. इस एक्सरे लेफ्ट ह्यूमरस बोन एपी व्यू वेयर आई कैन सी रेडियो ओपेसिटी लीजन दैट इज वेल डिफाइंड एंड दी मार्जन्स आर सिक्लीरोज्ड बट ल्यूसेंट सेंटर. हाउएवर अंडरलाइंग बोन इज अनरिमार्केबल एंड आई विल टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. इफ देयर इज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द ट्रामा देन आई विल थिंक अबाउट मायोसाइटिस ऑसिफिकन्स एंड ठीक जी है मैम. जी सर, नेक्स्ट डिफरेंशियल हम इसमें क्या देंगे? मैडम इसका जो डिफरेंशियल है वो ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है मैडम, पार ऑस्टियल, पारोस्टियल, बट उसमें जो कैल्सिफिकेशन है वो एग शेल टाइप नहीं होगी, वो सेंट्रल कैल्सिफाइड लीजन होती है और पेरिफेरियल पे हाइपो होता है, लेकिन ये एग शेल की तरह है मैम. जी और बिल्कुल। दूसरा एक जी उसमें जो अंडरलाइंग बोन है उसकी कोई अबनॉर्मेलिटी हो सकती है, साथ में उसमें सिग्नल चेंजेस आ आपको सकते एक एक हैं. एक साइन नजर आता है, साइन को क्या कहते हैं? एक स्ट्रिंग साइन होता है, वो किस में आता है? स्ट्रिंग साइन जो मैडम वो पारोस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा में आता है, जो कि एक पारोस्टियल में आता है या फिर इसमें आता है, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस में?
कौन सा साइन मैडम? स्ट्रिंग साइन। स्ट्रिंग साइन जब आपको एक ल्यूसेंट लाइन ऑफ कॉर्टेक्स नजर आती यस है यस जी जी मैडम, वो ओस्टियोकार्कोमा में आता है, इसमें नहीं आता वो। ठीक। अच्छा जी मैडम एक ना कि जब भी आप कभी भी किसी भी लीगन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना और आपको पता है कि उसका क्लोज डिफरेंशियल कौन सा है तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में ही उसको निगेट कर दें। जी मैम यूजुअली ठीक है जब आप फाइनल देते हैं तो फिर वो जस्टिफाइड होना चाहिए कि हाँ यही फाइनल डायग्नोसिस है, मैं ये सोच रही थी लेकिन इसको मैंने इसलिए निगेट कर दिया क्योंकि इसमें ये चीज नहीं आ रही। दूसरा मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस में यूजुअली जो होती है ना वो कैल्सिफिकेशन से ज्यादा ऑसिफाइड मैट्रिक्स होता है। कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन में हमें पता है ना डिफरेंस है, यस और मैम वो ऑस्टियोसार्कोमा है उसका सेंट्रल क्लाउड लाइक मैट्रिक्स होता है। ठीक जी मैम जी मैम। है। मैडम ऑसिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन में क्या फर्क है? कैल्सिफिकेशन में हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम सॉल्ट जो है ना वो डिपॉजिट होता है और उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, यानी कैल्शियम की डेंसिटी जब हमने स्टोन मैयर किए हैं तो वो रफली जो है वो 300 100 इस तरह होती है ना, और जब हम बोन की डेंसिटी मैयर करते हैं वो थाउजेंड्स में होती है। जो ऑसिफाइड मैट्रिक्स है ना उसके अंदर हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, और उसकी अपीयरेंस में भी डिफरेंस होता है। आप जो हम देखते हैं चीजें डेंसिटी हम उनकी कंपेयर करते हैं ऑसिफाइड मैट्रिक्स की डेंसिटी। मैम इस केस में जो है ये एक्रोमियोहेमरल डिस्टेंस जो है वो भी रिड्यूस लग रहा है, और लेटरल एंड ऑफ स्कैपुला पे इरोजन लग रही है, ये है या ये वैसे ही? पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये है लेकिन ये इसमें अपरेंट लग रही है। अच्छा एक और चीज ना, बस जो ऑब्वियस आ रहा है ना उसी को डिस्क्राइब करें, ठीक है, जो आपको है नहीं है उसको छोड़ दिया करें, जिसको जस्टिफाई नहीं ना कर सकते वो ना बोला करें, ठीक है, हो सकता है हो, जी मैम बस जो ठीक है जस्टिफाई कर सकते हैं उसी को बोला करें, वरना हम खुद ही बोल के फंस जाते हैं। मैडम, ये जो पिछला फुट का एक्सरे था जिसमें हमने सुडेक से ट्रॉफी भी बनाई है, जी सुडेक्स एट्रोफी या रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी। मैडम इस सुडेक एट्रोफी की मार्क कर देंगे, फ्रैक्चर कहाँ पे था? जी ये आपको एक कॉर्टिकल ये ब्रेक नजर आ रहा है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू मैडम। ये। ओके दिस इज द एक्सरे पेल्विस पीए व्यू वेयर आई कैन सी दैट बोथ बोथ हिप जॉइंट्स आर अनरिमार्केबल, बोथ हेमी पेल्विस आर अनरिमार्केबल, आई कैन सी एन अवल्जन फ्रैक्चर एट द लेसर टूब्रास्टी दैट इज अवल्ज्ड ऑन द मीडियल साइड एंड सो आई विल टेक द हिस्ट्री ऑफ एनी प्रीवियस ट्रामा एंड इसमें जो इंसर्शन होती है मेरा ख्याल मैडम कोई सार्टोरियस इधर लगेगा या आइलियोसास, मेरा ख्याल इस इधर लगेगा आइलियोसास। आइलियोसास जी जी आइलियोसास का ये एवल्जन फ्रैक्चर है मैम, और रेस्ट जो है वो तो ठीक है मैम। ठीक है, और कोई अंडरलाइन लियन भी हो सकता है यहाँ पे? और अंडरलाइंग लीजन मैडम कैल्सिफिकेशन हो सकती है टेंडन की जो है इंसर्शन हो सकती है। यहाँ पे लिटिक लियन भी तो पड़ा हुआ हो सकता है ना जो यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्शन कर दे यहाँ पर। जी हो सकता है, मेटास्टेसिस कॉमन होता है इसमें, कॉमन होता है यहाँ पे। ठीक है, आइलियोसोस का ही है, एवलियन फ्रैक्चर है। तो आगे अगली डायग्राम में दिखाया हुआ है डिफरेंट जो है वो मसल्स की अटैचमेंट कहाँ कहाँ होती है। वैसे ये मतलब इसके लिहाज से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वाइवा के लिहाज से, लेकिन टॉक्स में अगर जिनका टॉक्स है तो उसमें शायद कोई इमेज आ जाए पाना। जी मैडम नेक्स्ट डॉक्टर मरियम अदनान मैडम ये आप ले लें। आई एम प्रोवाइडेड विद द एक्सरे एंकल जॉइंट फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ अ स्केलेटली इमेच्योर पेशेंट। I can see a fractured line which are vertical, including the epiphysis as well as the metaphysis of the medial aspect of the tibia, distal tibial epiphysis. So this is Salter Harris type 3 fracture. ठीक है। So मेडिकली इसको मैनेज करेंगे? डॉक्टर हैरिस 5-3 को कैसे मेडिकली मैनेज करेंगे?
सर्जरी बस कोई भी फ्रैक्चर आपके पास आ जाए ना, आप ऑर्थोपेडिक रेफरल ही कह दिया करें। ठीक ठीक है, है, ऑर्थोपेडिक रेफरल। हाँ जी, कितनी टाइप होती हैं इसकी? इसकी होती है 5 टाइप। फर्स्ट जो है ना वो सिर्फ ग्रोथ प्लेट को इन्वॉल्व करती ठीक है, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास मेटाफिसिस आती है, थर्ड हमारे पास आती है एपिफिसिस, और फोर्थ फोर्थ में हमारे पास एपिफिसिस और मेटाफिसिस आ जाती है। फिफ्थ, हाँ जी फोर्थ टाइप थी फिर, और जो फिफ्थ होती है उसमें क्रस्ट फ्रैक्चर हो जाता है हमारे पास ग्रोथ प्लेट का। ठीक है। नंबर 1 जो है वो स्लिप्ड है, और नंबर 5 जो है वो उसमें बिल्कुल जो है वो ग्रोथ कट, प्लेट उसकी मतलब फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, ये फोर्थ टाइप थी। जी जी इम्पोर्टेंट क्यों है सोल्डर हेयर? मैनेजमेंट के लिए। हाँ, बेसिकली ये ग्रोथ प्लेट इंजरीज की है ना क्लासिफिकेशन, इस पर हाँ जी, डिपेंड करती है लिम की ग्रोथ। अगर ग्रोथ प्लेट इंजर हो जाए तो लिम लेंथ की डिस्क्रिपेंसी डेवलप हो सकती है। ठीक है ठीक है। ग्रोथ प्लेट तो ये फिफ्थ वाला, इसका सबसे ज्यादा मतलब। हाँ जी, जहां भी ठीक, ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्व हो गई वो सब वो ही हाँ जो है जी हाँ जी हाँ। हो गई। हाँ इसमें ना जी, हर हर टाइप का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है दूसरे से, होता है। ठीक तो है इसलिए बताना जरूरी होता है। ठीक है जी, मैडम। ये एक क्वेश्चन था कि जो फ्यूज स्केल्टन है उसके अंदर भी हम सॉल्टर हेयर्स बताएंगे या नहीं बताएंगे? नो ग्रोथ नो प्लेटिंग नो नो, ठीक है, इट्स तो इसका ओनली फॉर ठीक अनफ्यूज स्केलेटन। है। नेक्स्ट, जी मैडम, आई एम प्रोवाइडेड विद द एक्सरे पेल्विस फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ अ स्केलेटली प्योर पेशेंट। आई कैन सी देयर इज प्यूबिक डायास्टेसिस इंक्रीज इन द प्यूबिक सिम्फिसिस डिस्टेंस, सो दिस इज अ प्यूबिक डायास्टेसिस एंड आई कैन अप्रिशिएट फ्रैक्चर ऑफ द राइट आइलिक प्लेट एंड सैक्रोइलिक जॉइंट पे। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्चर होगा राइट। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, प्यूबिक एक चीज ना, या कॉन्फिडेंस से बताया करें है या नहीं है। ठीक है, ये जी, वाला इस तरह से ना किया करें कि जिस तरह आप एग्जामिनर से पूछ रहे हैं कि नहीं है, है या नहीं है आप बताएं। ठीक है, तो ठीक प्यूबिक है। डायास्टेसिस आपने बताया, तो नॉर्मल ही डिस्टेंस कितना होता है? 3 मिलीमीटर नॉर्मल होता है, 1 to 3। लेस देन यस 4 mm नॉर्मल है ना, जी 3 से एक्सीड कर जाए तो आप कंसिडर करेंगे। हाँ जी बाकी आपने ठीक बताया बिल्कुल कि बाइलेटरल सेक्टोरल जॉइंट्स इसके नॉर्मल है, हमें सेक्रम ठीक नजर आ रही है। क्योंकि यही ठीक अगर है। कोई व्यक्ति के एज ग्रुप में हमें प्यूबिक डायस्टेसिस दिखाते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम डिफरेंट जो है कंजेनिटल एनोमलीज जो है उसमें हमारे पास होता है प्यूबिक डायस्टेसिस। प्यूबिक डायस्टेसिस के साथ बच्चों के अंदर ब्लैडर एटरोस्कोपी हाँ एसोसिएटेड जी हाँ होती जी, प्रोन है, बेली में होता है, उसके अलावा ब्लैडर एक्सट्रोफी में होता है, तो 3 है और उसके साथ। और सूडो डायस्टेसिस किस में होता है? सूडो डायस्टेसिस इसका याद नहीं आ रहा है। अपरेंट वाइडनिंग प्यूबिक सिंफिसिस की इमेंस नहीं होता है, किसी और को मल्टीपल पता है? सीडो क्लेडोक्रेनियल सीडो सिस्टम डिसोस्टोसिस में। ठीक है ठीक है, हाँ सिस्टम में, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में, ठीक है, जी हाइपोथायरायडिज्म में। ठीक ठीक। है, नेक्स्ट। फ्रॉग व्यू, दिस इज फ्रॉग व्यू, दिस इज स्लिप हाँ फ्रॉग कैपिटल लेग फीमोरल एपिफिसिस, जी, जो फीमोरल एपिफिसिस एंड वी हैव टू, इसमें भी हमें यही लिप डिस्क्रिपेंसी हो सकती है अगर हम इसे फॉरन मैनेज ना करें, बिकॉज इट इज सॉल्टर हैरस टाइप 1 हो जाता है ये। टाइप 1 है जी। ठीक है, इसमें हम क्या लाइन कौन सी डिस्क्राइब करते लाइन हैं? ऑफ क्लिन दैट पासिस थ्रू दी, इट इज ड्रॉन एट द नेक ऑफ द फीमर लेटरल स्पिरिट, इट शुड पास दी हेड ऑफ द फीमर के 1/3 से वो टच करती हुई जानी चाहिए। इफ इट डजंट सो इट मीन इट स्लिप इंफीरियरली एंड दिस इज कॉल्ड स्लिप कैपिटल फीमोरल एपिफिसिस। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब आप स्केफिस का केस देखते हैं ना, तो ये जो ये है ना फेमोरल नेक है ना, ये थोड़ी सी ना वाइड हो जाती है इन केसेस में। ठीक पार्टनिंग ऑफ, ठीक है है, नेक्स्ट रेडियोग्राफ के अंदर दिखाया गया लाइन ऑफ क्लीन ड्रॉ करके ना, ये देखें जो ब्लू वाला है दैट्स नॉर्मल, डिस्क्राइब करें इसको। दिस इज द लाइन ऑफ मैडम, इस मतलब लाइन ऑफ क्लीन जो जा रही है वो तो उसको
दरअसल जो क्रॉस, लाइन प्लेन होती है ना, या फेमोरल नेक से इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना, तो ये जो फेमोरल हेड है ना, हाँ इसका पार्ट जी, शुड बी लेटरल टू द लाइन ऑफ प्लेन। इधर फेमोरल हेड लेटरल नहीं आ रहा, ठीक है, ये सो होता है इसका। पार्ट सही. ऑफ फेमोरल हेड शुड बी लेटरल टू द लाइन ऑफ प्लेन, मैडम, ठीक है। अब ये ना सूफी स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफेसिस के बाकी साइंस भी कर लें, इंपॉर्टेंट होते हैं, वाइवा में आते हैं. जी सर करा दें। एक तो इसकी वाइडनिंग होती है ग्रोथ प्लेट की, जो कि आपके केस में भी नजर आ रही है इसमें, जी दूसरी तरफ जी से अगर वो करें तो. जी और तीसरा साइन होता है एपी पे, उसमें जो ग्रोथ प्लेट वाली जगह है ना, वहां पे इंक्रीज डेंसिटी आती है, एक जैसे स्क्लीरोटिक साइड फोकस होता है. चूंकि ये पोस्ट्रोमीडियल स्लिप होती है ना इसकी, तो वो थोड़ा सा ओवरलैप की वजह से वहां पे इंक्रीज, हाँ उसको कहते हैं मेटाफिजियल ब्लैंच साइन. तो ये सारे मेरे से पूछे थे वाइवा में, था एग्जाम में, सूफी विद सुपर इम्पोज एवीएन, जो कि इसी की वजह से था. तो सही। इन्होंने तो ये सारे साइंस सुने थे. सर ये जो साइन जो आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो तब आएगा जब सात एवियन डेवलप हो जाएगा, यानी हम नहीं, पर्टिकुलर। वो एपी में वैसे ही आता है, फ्रॉग लेग में नहीं आता, क्योंकि हाँ इसमें तो क्लियर स्लिप नजर आ जाती है ना, उसमें स्लिप एविडेंट नहीं होती. उसमें सिर्फ जो ग्रोथ प्लेट वाला रीजन है ना, वहां पे इंक्रीज डेंसिटी होती है, क्योंकि दो बोन्स ओवरलैप कर जाते हैं, जो ठीक है इसकी मतलब स्लिप्ड हेड होता है वो, और जो नेक का पार्ट है, तो उस वजह से वो आती है. और दूसरा ये ग्रोथ प्लेट की वाइडनिंग, और तीसरा वो तो ये हमारे लाइन ऑफ केस में क्लीन्स. नजर आ रही है, ठीक है, तीसरी लाइन ऑफ क्लीन, ठीक है, थैंक यू। साइन और लॉस ऑफ कैपनर्स तो ट्राइंगल भी है एक इसका साइन ना, लॉस ऑफ कैपनर्स ट्राइंगल. नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट केस है। आई एम प्रोवाइडेड विद द एक्सरे ऑफ फुट फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ स्केलेटल मैच्योर पेशेंट एंड द लेटरल व्यू ऑफ एंकल जॉइंट. बोन डेंसिटी अपियर्स डिक्रीज, और जो टार्सल बोन्स हैं उनके पास देर इज ए डेब्री डिस्ट्रक्शन जैसे डिसऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग द टार्सल बोन्स, टार्सल्स एंड द टार्सो मेटा टार्सल ज्वाइंट पे आ रही है. जी एंड सिमिलरली दीज फाइंडिंग्स आर वाइल इन द सेकेंड आई कैन सी देर इज ए कैल्सिफिकेशन ऑफ द एक्लिस टेंडन नोटेड अलॉन्ग विद द देर इज ए फ्रैक्चर ऑफ द कैल्केनियम लाइन लाइन. सो जो फर्स्ट वाला है उसमें ये बिल्कुल टार्सल बोन को कर रहा है, तो क्या ये शार्कोट वाला है या क्या, ये क्यों मतलब बिल्कुल डेब्री आ रही है, डिसऑर्गेनाइज हो रहे हैं टार्सो मेटाटार्सल मिल वो उस पे आ रही है चीज. ठीक है, और इसका दूसरा डिफरेंशियल कौन सा होता है? शार्कोट का दूसरा दूसरा डिफरेंशियल डिफरेंशियल हम इसमें वो रखते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी रखते हैं, लेकिन बट दैट इंक्लूड्स दी कैल्केनियम एंड दैट इंक्लूड्स दी मेटाटार्सल्स, और वो क्या होते हैं जो सेकंड वाले जिसके ऑस्टियोमेलाइटिस ऑस्टियोमेलाइटिस हो जाता है ना, तो जो आपके में. वास्कुलर कैल्सिफिकेशंस आ रही हैं ये अगेन शार्कोट जॉइंट्स को फेवर करते हैं, ठीक है। और तो डायबिटिक फुट में दोनों चीजें एक साथ भी चल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके जिस तरह आपने सारा डिस्क्राइब किया कि सब कॉन्ड्रल ऑस्टियोपेनिया आ रहा है, डिस्ट्रक्शन हुई हुई है, डेब्रिस है, डेब्रिस रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल जो इंट्रा आर्टिकुलर लूज बॉडीज आ रही है, डिसऑर्गेनाइजेशन है, डिसलोकेशंस हो सकती हैं यहाँ पे ना, और इसके पॉजिटिव एजेंट्स में सबसे ज्यादा डायबिटीज प्लस स्टेरॉइड्स का यूज वगैरह, सही. ठीक है। और भी कुछ डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं डायबिटिक फुट और मतलब ऑस्टियोमायलाइटिस और इसके शॉर्टकट जॉइंट्स के? एक और पॉइंट होता है हाइंड फुट और फोर फुट की इन्वॉल्वमेंट वाला, पता है ये आपको? मैडम प्रॉक्सिमल फुट जो है वो हमारे शार्कोट में होता है, और जो डिस्टल होता है वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑस्टियोमेलाइटिस डायबिटिस में. जी। नेक्स्ट डॉक्टर असलम सर, ये केस आप ले लें. जी सर,
प्लेन एक्सरे फ्रंटल प्रोजेक्शन स्केलेटली मैच्योर पेशेंट ऑफ द लेफ्ट नी जॉइंट देयर इज लिवसेंसी विद अ कॉर्टिकल डिफेक्ट ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल फेमोरल कंडाइल देयर इज अ नॉर्मल जॉइंट स्पेस एंड नो लेटिक or any other lesion other than this appreciated in the visualized femur and tibia fibula. This is osteochondritis dissecans. Next, I will proceed for MRI of the knee joint to look the detachment of the fragment in the joint space. These are two MRI images. First one is T1, another is T2 star. Coronal images of the knee joint, and here I can appreciate there is hypointense sclerotic hypointense sclerotic margins with bright signals in the center. These are the fragment is not displaced. Joint space is preserved. This is osteochondritis dissecans. However, no loose fragment in the joint space. It's further orthopedic ripple and fixation. बिल्कुल ठीक है. अच्छा staging भी एक दफा बता दें अगर आपको. मैडम इसमें भी तो स्टेजेस का डिफरेंस होता है ना कि अगर स्टेज 3 और 4 है तो उसमें फिर मैनेजमेंट डिफरेंट है. यस वो जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट उसको फिर आर्थ्रोस्कोपिक आर्थ्रोस्कोपी करके उसको फिर फर्दर मैनेज करते हैं कि वो फ्रैगमेंट को निकालना है वो. और ये वाली जो है ना स्टेज 3 है असलम भाई, ये हाँ, वाली जो इस केस में आ रही ना आप देखें कि उसमें फ्लूइड सिग्नल आ गए ना पेरेंट बोन और डिटैच सेगमेंट के बीच में. मैडम पिछली स्लाइड कर दें प्लीज. डॉक्टर नईम ने बताया था ना अनस्टेबल सेगमेंट इसके अंदर. यस ये आपको जो तो आ रहा है ना T2 फैट सेट इसके इस पे आप देखें तो आपको वाइट सिग्नल नजर आ रहे हैं पेरेंट बोन और डिटैच बोन के. हाँ तो ये स्टेज 3 हो गई और अब बोन वहीं पे है ना जो डिटैच है वहीं पे है वो सेपरेट होकर ज्वाइंट के अंदर फ्रीली मूव नहीं कर रही. अगर वो फ्रीली मूव कर रही होती तो फिर स्टेज 4 हो जाती. तो बहरहाल ये स्टेज 3 है इसमें भी सर्जरी करेंगे. 1-2 में कंजर्वेटिव जी अनस्टेबल है. 1-2 जो है वो स्टेबल होते हैं और 3-4 अनस्टेबल होते हैं. ठीक है. और पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या होती है क्यों हो जाता है ओसीडी? एडियोपैथिक होते हैं मोस्टली. पोस्ट ट्रॉमेटिक मैडम के होता है. पोस्ट ट्रॉमेटिक रिपीटेड स्ट्रेस अगर इस पे पड़ रहा हो तो. ठीक है नेक्स्ट असलम भाई ये भी आपका केस. सिटी कॉरोनल सिटी इमेज ऑफ द नी जॉइंट इसमें डिप्रेशन है ऑफ द लेटरल फिबुला इसमें मैडम नजर नहीं आ रहा. सो हियर बट ना है तो फिर क्या करते हैं फिर कैसे देखते हैं इसका मैडम ये कि जो लेटरल और मीडियल फेमोरल कंडाइल से फिर जो है ना इसको कंडाइल तो क्या होता है ये जो मेडियल थोड़ा सा जो है ना वो प्राइमेंट ग्रुप पॉपलिटियल ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं. यस तो इसमें लेटरल टेबियल प्लाटो का जो है ना डिप्रेशन भी है और कार्टिकल जो आर्टिकुलर सरफेस है उसका कार्टिकल रेगुलरिटी है और ये शॉर्ट्स कर फ्रैक्चर है. जो है ना फ्रैक्चर विद डिप्रेशन है तो ये टाइप 2 मुझे लग रहा है. नहीं टाइप 2 से ज्यादा है 3 या 4 है. 4 है सॉरी क्योंकि मीडियल साइड पे है ना मीडियल साइड पे देखे तो 4 हो गई. सर लेटरल नहीं है साइड. नहीं नो नो मैडम देखे ना इसमें आप देखेंगे पॉपलिटियल ग्रुप लेटरल साइड पर होती है ना तो ये मीडियल साइड है. यस ये मीडियल है. ये जो रेड एरो से मार्क किया ना ये पॉपलिटियल ग्रुप होती है.
मीडियल पे चार और पांच होते हैं, चार होते हैं, चार होता है, पांच में तो फिर दोनों, पांच तो फिर नीचे भी उसका एक फ्रैक्चर एडिशनल हो जाता है। जी नेक्स्ट डॉक्टर बकार सर, ये केस आप ले लें। सर ये स्पॉट डायग्नोसिस भी है। मैडम ये बेसिकली जो फिफ्थ मेटाटार्सल है उसका जो जोन्स फ्रैक्चर है ये। जी उसकी बेस का फ्रैक्चर। नेक्स्ट ये जो है मैडम ये लिस फ्रैंक फ्रैक्चर है। कितनी टाइप्स होती हैं इसकी? डाइवर्जेंट होती है और कन्वर्जेंट, दो टाइप होती हैं। ये डाइवर्जेंट लग रहा है। कन्वर्जेंट होती है या उसको क्या कहते हैं, होमो होमोलेट्रल और होमोलेट्रल और डाइवर्जेंट, ठीक है। और लिस्फ्रैंक लिगामेंट की अटैचमेंट कहाँ होती है मैडम? मीडियल जो क्यूनिफॉर्म होती है उस पे होती है और सेकंड मेटाटार्सल पे होती है। बिल्कुल। नेक्स्ट कैल्केनियल का ये कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, कम्युनिकेटेड लोअर फ्रैक्चर भी इसको बोलते हैं। इसमें हम लंबर स्पाइन जरूर देखते हैं, उसका फ्रैक्चर भी होता है। जी नेक्स्ट ये मेसोनेव फ्रैक्चर है। क्या होता है मेसोनेव में? मेसोनेव में मैडम जो एंकल मोर्टिस है उसकी डिसलोकेशन होती है और साथ फिबुला का जो है ना वो प्रॉक्सिमल डायफिसिस का फ्रैक्चर होता है। बिल्कुल ये लास्ट केस है। लुनेट की डिसलोकेशन है, अवल्जन फ्रैक्चर है और ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें जो लुनेट है वो बिल्कुल पाई शेप है स्क्लेरोस और दूसरे के अंदर पीसी का डिसलोकेशन का केस है। ठीक है इसका साइन कौन सा है? ये स्पिल्ड कप साइन आ रहा है पर ये तो पेरिलुनेट नहीं है। लेटरल में जो है वो स्पिल्ड कप साइन आ रहा है और डिसलोकेशन है ये, ठीक है। स्पिल्ड टी कप साइन आ रहा है, पेरिलुनेट है ना? जी पेरिलुनेट है। मैम डू वी सी इन दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू? दिस इज लुनेट डिसलोकेशन बाकी हिलते हैं। जी